हमारे जीवन में जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यक विषय है। इसी क्रम में हम आज आपको एक कहानी ऐसे शख्स की सुनाएंगे जो और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे जैसे देश में जल संकट बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। दिल्ली से लगभग 950 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के ग्राम तिगांव के रहने वाले नीरज वानखड़े पिछले 4 सालों से जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। नीरज जल संरक्षण के साथ साथ समय समय पर नदियों की साफ सफाई, स्कूल के बच्चों और ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक भी करते रहते हैं। जल संरक्षण के लिए नीरज की कोशिश होती है कि वो अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सके। इसके लिए वो कई बार अपने इनोवेशन का भी सहारा लेते हैं, जैसे गांव में सेल्फी पॉइंट बनाना, जल संरक्षण का मॉडल तैयार कर किसी भी प्रदर्शनी में उसे दिखाना। इसके अलावा नीरज सोशल मीडिया में अपने कार्यों का प्रचार कर लोगों को पानी बचाने के लिए भी प्रेरित करते रहते हैं। 2050। हाँ भाई, आज का पेपर पढ़ा? नहीं यार, अभी तो नहीं पढ़ा। क्यों भाई, पानी 400 रुपए लीटर से 399 रुपए लीटर हो गया है। क्या बात कर रहे हैं यार, अब हम ज्यादा पानी पी सकेंगे। समय का पहिया। नीरज कहते हैं कि जो भी पैसा जल संरक्षण के कार्यों के लिए खर्च होता है, उसका अधिकतर भुगतान वो अपनी जेब से करते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो पैसा है, 70% पैसा, 70-80% पैसा हम हमारे जेब से लगाते हैं, और जो हमारे कार्य को देख रहे हैं या जो हमारे संस्था के सदस्य हैं, बाकी का पैसा 30% पैसा ये इनके द्वारा आता है। जैसे कि हमारे कंपनी है, हमारे क्षेत्र की डायटेक प्रोसेस कंपनी, वो भी हमें समय समय पे मदद करते हैं जल संरक्षण के लिए। और उसके बाद में हमारे जो संस्था से जुड़े हुए सदस्य हैं, वे सब मदद करते हैं। इसके साथ ही वो आने वाले दिनों में नदियों को बचाने के लिए व्यापक स्तर पर एक अभियान भी शुरू करने वाले हैं। नदी बचाओ अभियान भी हम बहुत जल्द चालू करने वाले हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र की जो भी नदियां हैं, जो भी गंगा समान हमारी सभी नदियों को हम साफ सुथरा रख सकें। जल संरक्षण को लेकर नीरज के इस प्रयास की सराहना भारत सरकार भी कर चुकी है, और उन्हें केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वाटर हीरो के रूप में सम्मानित भी किया जा चुका है। मंत्रालय की ओर से उन्हें 10,000 की जो प्रोत्साहन राशि दी गई थी, उसे भी उन्होंने जल संरक्षण के कार्यों के लिए खर्च कर दिया। नीरज ने अपनी प्रोत्साहन राशि से एक साउंड सिस्टम खरीदा है, ताकि वो अधिक से अधिक लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक कर सकें।